पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा के मैसिव हिट होने के बाद रश्मिका ने अपनी फीस में 50% का इंक्रीमेंट किया है। जहां पहले रश्मिका 2 करोड़ रुपीस पर फिल्म के चार्ज किया करती थी, वहीं रश्मिका अब पर फिल्म के 3 करोड़ रुपीस चार्ज करेगी, और इसलिए रश्मिका पुष्पा द राइज पार्ट 2 के लिए 3 करोड़ फीस ले रही है। वहीं कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने 30 से 32 करोड़ पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए चार्ज किए थे, और पुष्पा द राइज पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर अल्लू अर्जुन ने लगभग 50 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि अल्लू अर्जुन अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। अल्लू अर्जुन मल्टीप्लेक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स बार, बेकरी, नाइट क्लब और इसी तरह कुछ और वेंचर्स में भी अल्लू अर्जुन सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं। जनरली एक एक्टर इन 6 तरीकों से पैसे कमाता है: एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, टीवी शोज, रियल इस्टेट, वेडिंग में परफॉर्मेंस देकर। और कुछ एक्टर्स या तो खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं या फिर किसी और की कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस तरह एक्टर्स का मल्टीपल सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, इसी तरह आपको भी एक पेपर पर अपना नाम लिखना है और अपने सोर्स ऑफ रिवेन्यू लिखने हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपका सोर्स ऑफ रिवेन्यू होगा सिर्फ आपकी जॉब, लेकिन आपको इस सोर्स ऑफ रिवेन्यू को बढ़ाना है तो आपको फ्रीलांसर बनना होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। इसी तरह अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका सोर्स ऑफ रिवेन्यू बढ़ाने के लिए नए बिजनेसेस में ट्राई करना होगा। इसी के साथ साथ रियल इस्टेट और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना होगा। ये मेरा सजेशन था, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोर्स ऑफ रिवेन्यू के नए तरीके डिसाइड करना। इन बातों को सुनने से आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, रियल फायदा होगा इम्प्लीमेंटेशन से। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन वीडियो खत्म होने के बाद इस तरह डायग्राम बनाकर खुद के सोर्स ऑफ रिवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड हेल्प के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।